मुनासिब ना मुनासिब। पिछले पहर मेरी आँख खुल गई। कुछ देर में इंतज़ार करता रहा कि अभी कुदरत आएंगे और कहेंगे चलिए भाभी जिब्रील खुलने का वक्त हो गया। कुदरत ना आई तो मुझे ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना खुद उन्हें जगा लूँ, क्योंकि देर हो गई तो हुजरे में नफल अदा करने की सआदत से महरूम हो जाएंगे और फिर सारा दिन एहसास महरूमी में डूबे रहेंगे। मैं उठ बैठा, जल्दी जल्दी तैयारी की और फिर कुदरत के कमरे का दरवाज़ा जा खटखटाया। कुदरत ने दरवाज़ा खोला। सो रहे थे आप? मैंने पूछा। नहीं तो, वो बोले, तो फिर जाने की तैयारी नहीं की? जल्दी चलिए ना, भाभी जिब्रील तो खुल भी गया होगा, हम पहले ही लेट हैं। नहीं आज नहीं, वो बोले। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? नहीं खसूसी बात तो नहीं। तो फिर चलते क्यों नहीं? नहीं, वो मुस्कुरा दिए। आपका मतलब है कि आज आप भाभी जिब्रील नहीं जाएंगे? आज हम बराह रास्त मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाएंगे जब अजान होगी। कुदरत ने जवाब दिया। लेकिन हुजरे में नफल क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैंने हैरत से पूछा। हमारा काम हो चुका है, कुदरत बोले। कौन सा काम? मैंने पूछा। मतलब यह है कि जो हमको करना था कर लिया है। फिर भी वहाँ जाने में क्या हर्ज है? मैंने पूछा। नहीं, वो बोले। मुनासिब नहीं। मुनासिब क्यों नहीं? खाम खा वहाँ जाकर भीड़ करना मुनासिब नहीं, ये तो दूसरों के रास्ते में हारिज होने के बराबर हो गया। तो क्या सब जंगले के पास दुआ भी नहीं करेंगे? मैंने पूछा। नहीं, वो बोले। मुनासिब नहीं। दो एक साथ तो मैं मुनासिब और ना मुनासिब के इस नए जाविये पर हैरान रहा। फिर मुझे वो दिन याद आ गया।